हेलो गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवीडिया के नए लॉन्च हुए आरटीएक्स 4090 और 4080 कार्ड्स की। इतने महीनों के र्यूमर्स, इतने महीनों के लीक्स के बाद आज ऑफिशियली उन्होंने इन कार्ड्स को अनाउंस कर दिया है, इनके बारे में डिटेल शोकेस की है, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। बस थोड़ी देर पहले एनवीडिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन आरटीएक्स कार्ड को अनाउंस किया है। इसमें हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, आरटीएक्स 4090, आरटीएक्स 4080 एंड आरटीएक्स 4080। यस माय फ्रेंड्स, देयर विल बी टू आरटीएक्स 4080 दिस टाइम, जिनके बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन आरटीएक्स 4090 की बात करने से पहले प्लीज एक मिनट का हम लोग मौन धारण करते हैं फॉर द ओनर्स ऑफ 3090 एंड 3090 Ti। RTX 4090 NVIDIA का करंट फ्लैगशिप होने वाला है और ये परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हैं अप टू 4 टाइम्स ऑफ 3090 Ti। 3090 Ti एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड था और पहला ऐसा कार्ड था जो एटलीस्ट 8K गेमिंग हमें प्रॉमिस कर रहा था और 4K 120 FPS गेमिंग प्रोवाइड कर रहा था, मतलब प्रॉमिस कर रहा था। एंड RTX 4090 इस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा आगे लेके जा रहा है। ये बेस्ड है उनके नए आडा लवलेस आर्किटेक्चर पे। आडा लवलेस उनकी बेसिकली जो नई जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, उनको उन्होंने कोड नेम दिया हुआ है। और ये कार्ड आने वाला है 16384 CUDA कोर्स के साथ, That is 16384 CUDA cores। इसके अलावा जो उनकी पूरी ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ पे नए ray tracing cores है, यहाँ पे नए tensor cores है जो मशीन लर्निंग या फिर AI वगैरह के लिए यूज होते हैं। बेसिकली इन्होंने अपने ग्राफिक्स प्रोसेसर का हर एक एलिमेंट इंप्रूव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकल सके। ये कार्ड आने वाला है बहुत ज्यादा VRAM के साथ, इनफैक्ट 24 GB ऑफ GDDR6X मेमोरी के साथ, वो भी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ के साथ। तो दिस विल बी ग्रेट फॉर 3D आर्टिस्ट वगैरह या फिर ऐसे कोई भी पर्सन जो जिनको बहुत ज्यादा VRAM की जरूरत होती है। अब इतनी सारी जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसका प्राइस भी तो ज्यादा होगा। वेल, उसका प्राइस है $1600, जो $100 ज्यादा है 3090 Ti से, जो मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। इसलिए मैंने कहा था कि 3090 Ti के ओनर्स के लिए थोड़ी देर मौन व्रत रख लेते हैं, बिकॉज अगर ऐसी परफॉर्मेंस जो एनवीडिया क्लेम करे उतनी ज्यादा हमें मिल जाए तो वेल 4090 का महंगा होना सेंस जरूर बनता है। अगर ये 4090 आपको अच्छा लगा और आपको इतनी सारी परफॉर्मेंस चाहिए जल्द से जल्द, देन आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 12th के लिए, जब ये कार्ड्स ऑफिशियली लॉन्च होंगे। अब बात करते हैं हमारे NVIDIA RTX 4080 की। अब RTX 4080 जनरली लाइक हमेशा से 80 सीरीज का एक ही कार्ड रहा है या फिर 80 Ti आ जाता था। इस बार दो कार्ड्स होने वाले हैं, एक RTX 4080 16 GB एंड द RTX 4080 12 GB। अब ऐसा नहीं होने वाला कि ट्रेडिशनली जैसे होता है कि सिर्फ है ना VRAM अलग है, मतलब मेमोरी साइजेस अलग है और है ना कार्ड का एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम है, तो वैसा नहीं होने वाला। इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज कार्ड्स के साइजेस अलग होने के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। जो 16 GB वाला वर्जन है उसमें ज़्यादा CUDA कोर्स है, ऑलमोस्ट 10,000 CUDA कोर्स है कम्पेयर टू द 7,000 CUDA कोर्स ऑन द स्मॉलर वर्जन। पैसे कमाने की निंजा टेक्निक है और कुछ नहीं है। और इसी परफॉर्मेंस डिफरेंस को उन्होंने थोड़ा सा जस्टिफाई किया है विद द प्राइस। जो 4080 16 GB वाला वर्जन है उसका प्राइस होने वाला है $1200, जो डबल है 3080 के मुकाबले जो $600-700 के आसपास लॉन्च हुआ था। और जो 4080 12 GB वाला मॉडल है उसका प्राइस है $900, जो बहुत ज़्यादा है फिर भी। अब थोड़े से कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये कार्ड्स में क्या स्पेशल होने वाला है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफ़ी ज़्यादा अटकलें लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे, लीक्स थे कि बहुत ज़्यादा पावर हंग्री कार्ड्स होने वाला है, लाइक 500 वॉट्स 600 वॉट्स। वेल 4090 थोड़ा सा पावर हंग्री ज़रूर है, लाइक इट्स अराउंड 450 वॉट्स, जो ज़्यादा नहीं है कम्पेयर टू द 3090 Ti। लेकिन खास बात क्या है कि NVIDIA ने क्लेम किया है कि वो उन्होंने अपने जब टेस्टिंग की थी उधर उन्होंने अपने 4090 को ओवर 3 GHz पुश किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट इनके जो क्लॉक स्पीड है वो 2.5-2.4 GHz तक है। तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी पावर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल खरीदते हैं। जो बाकी कार्ड मैन्युफैक्चरर्स है देखते हैं वो क्या कस्टम कार्ड्स निकालते हैं, और कस्टम कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा एक मैं कवर करना चाहता हूँ थोड़ी देर में, तो उसके लिए वेट करना। अभी लवलेस वाले जो कार्ड्स यानी जो नए वाले कार्ड्स है ये सिर्फ हार्डवेयर फीचर्स ही नहीं ला रही, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी ला रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, लाइक फास्ट मशीन लर्निंग वगैरह, साथ ही ज़्यादा AI सेंट्रिक डिज़ाइन, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह जो AI को ज़्यादा यूज़ करने वाली है किसी ना किसी तरीके से, DLSS 3.0, साथ ही ज़्यादा पावर एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ इट्स न्यू 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। AV1 एनकोडिंग सपोर्ट को भी और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं विद डेडिकेटेड प्रोसेसर। AV1 एनकोडिंग अगर नहीं पता तो AV1 इज़ द न्यू फॉर्मेट आप समझ लो, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली आगे आने वाले समय में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उसके ऊपर स्विच कर सकती है जल्दी। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। AV1 के अलावा यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स है उनके लिए भी इन्होंने प्रॉमिस किया कि ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाली है अगर आप कोई एडिटिंग वगैरह करते, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है बिकॉज वी नीड फास्टर एक्सपोर्ट टाइम्स वगैरह या फिर एडिटिंग टाइम्स वगैरह, बिकॉज
हर चीज़ मैकबुक कैसे जीत सकता है यार, हर चीज़ है ना मैकबुक को नहीं जीतनी चाहिए, हमें भी कुछ जीतना चाहिए। तो आई होप है ना ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी निकाल के लाए। अब बात करें थोड़ी कस्टम कार्ड्स की भी, यानी जो एसस एमएसआई वगैरह ने जो कार्ड्स लॉन्च किए, एंड लेट मी टेल यू भाई साहब एसस क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। इतना अच्छा खासा स्ट्रिक्स का डिज़ाइन था आपके पास, इतना सुंदर 3090 3080 कार्ड से स्ट्रिक्स वाले आपके, ये क्या 4086 4096 कबाड़ा कर दिया डिज़ाइन का। मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे क्लीनेस्ट लुकिंग कार्ड्स है वो आई गेम के कलरफुल के कार्ड्स हैं, और साथ ही गीगाबाइट का जो नया वाला मॉडल है 4080 4090 आई डोंट नो, वो भी काफ़ी दिखने में सुंदर है। MSI का काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, मतलब वही 3000 सीरीज़ वाला कार्ड का डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया उन्होंने लाइक लुक्स वाइज की बात करूँ मैं, परफॉर्मेंस तो अभी देखेंगे हम लोग बाद में। और Zotac ने लॉन्च किया है हमारा डेटॉल साबुन विद ग्रे कलर आई गेस, उन्होंने जो भी लॉन्च किया वो बहुत ज़्यादा कर्वी, आई डोंट नो किस पीसी केस में अच्छा लगेगा। NGXT मांटा एक केस था जो बहुत ही ज़्यादा कर्वी था, अब वो केस तो बंद हो गया है, तो आई डोंट नो किस केस के साथ ये सबसे ज़्यादा दिखने में सुंदर लगेगा। EVG का कोई कार्ड नहीं लॉन्च हो, पता नहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ वगैरह क्यों होगी, आई डोंट नो। अब फाइनली बात करते हैं इंडियन प्राइसिंग की, बिकॉज देर इज ऑल्सो लीक ऑफ इंडियन प्राइसिंग, और जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे जो कार्ड्स के प्राइसेस है वो जा रहे हैं 1,77,000 फॉर द 4090, 1,33,000 फॉर द 4080 16GB, और अराउंड 90,000 के आसपास जो है 3080 12GB वाला वर्जन। अभी प्राइसेस फाइनल नहीं है, एटलीस्ट आई होप सो ये फाइनल नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा होने वाले प्राइसेस। एंड दूसरी तरफ हमारे जो GPU के प्राइसेस होने वाले हैं, जो RTX 3000 सीरीज के GPU के प्राइसेस, वो बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं बहुत जल्दी, लाइक कम हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं और भी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। तो प्लीज़ बी ऑन द लुकआउट ऑफ दोज कार्ड्स, ताकि आपको एक अच्छी सी डील मिल जाए, बिकॉज 3000 सीरीज भी अगर सिर्फ आप वैलोरेंट वगैरह या फिर बेसिकली ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं ना, 3000 सीरीज कार्ड्स आर मोर देन इनफ फॉर 2K गेमिंग, तो उनको कंसिडर करना ना भूलें। सो बाकी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे हम लोग और शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे हमें पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।